वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 21 है 10th क्लास का, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है के मेथड। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6। जिस तरह के हम जो है प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.4 हमने सॉल्व की थी, वहाँ हमारे पास जो है प्रोपोर्शन फॉर्म गिवन होती थी, तो जो है वहाँ हम जो है कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम अप्लाई करते थे। जबकि आज हम मेथड अप्लाई करेंगे के मेथड। तो के मेथड क्या होता है? हमारे पास जो है हमें एक प्रोपोर्शन की फॉर्म देगा और वो हमें कहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अपने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोपोर्शन फॉर्म गिवन होगी उसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद उसका हम के इक्वल पुट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है सपोज दैट प्रोपोर्शन फॉर्म है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब इन दोनों रेशोज़ को जो इक्वालिटी के फॉर्म में लिखी हुई है, इसका हम जो है रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ए बाई बी, और सी रेशो डी को हम लिख सकते हैं सी बाई डी। अब स्टूडेंट्स, होगा क्या कि अब ये जो इक्वालिटी वाली फॉर्म है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस सारे को हम लेट कर लेंगे के इक्वल। अब जब हम के इक्वल ऐड करेंगे तो ए बाई बी भी के इक्वल है, जबकि सी बाई डी भी के इक्वल है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो सो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो बन जाएगा ए बाई इज इक्वल टू के एंड सी बाई डी इज इक्वल टू के। अब इसी मेथड को कहते हैं के मेथड। अब एक्सरसाइज में क्या होगा, वो हमें कहेगा कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन आगे कोई ना कोई जो हमें पार्ट दे देगा वो कहेगा शो करें कि ये लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो अब जो इफ़ के बाद होता है वो हमारे पास गिवन होता है, जो शो दैट या प्रूव दैट के बाद होता है वो हमने प्रूव करना होता है कि उसकी दोनों साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे पास होगा, अब एक्सरसाइज 3.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन शो दैट पार्ट 1 है 4a-9b बाय 4a+9b इज इक्वल टू 4c-9d बाय 4c+9d। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी गिवन हो, तो आपने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इसमें देखिए कि स्टूडेंट्स ने अभी कहा नहीं है कि आपने के मेथड अप्लाई करना है, लेकिन हमने खुद सॉल्व करना होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने के मेथड अप्लाई करना है या नहीं करना? जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व की थी, वहाँ भी उसने नहीं कहा था कि कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम क्वेश्चन 1 में अप्लाई करें या ना करें, हमने खुद अप्लाई किया था। अगर देखा जाए तो उसके क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज 3.6 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने जो है कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई किया था, जबकि इसमें जो है हम के मेथड अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने के मेथड कब अप्लाई करना है या कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम कब अप्लाई करना है? अब वहाँ पर ये था स्टूडेंट्स कि उसने कहा था कि आपने प्रूव करना है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, जबकि ये हमारे पास गिवन होता था। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमने ए रेशो बी हमारे पास जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है, मतलब ये उसका रेसिप्रोकल है, उसका उल्ट हो गया है। जब हमारे पास जो है, जब हमने प्रूव करना हो कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तब हम कंपोनेंट डिवाइडेड थ्योरम अप्लाई करेंगे। और जो हमारे पास जो है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन होगा, तब हम के मेथड अप्लाई करेंगे। दोबारा सुन लें कि जब हमने प्रूव करना हो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो तब हम कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो तब इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है, जबकि अगर हमारे पास इफ़ के बाद है, इफ़ के बाद का मतलब ये गिवन है, तो जब गिवन होगा ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तब हम जो है के मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब जो है हम के मेथड अप्लाई करेंगे, हमने राइट किया गिवन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब जो गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसी चीज़ को हम लेट करेंगे, लेट इस सारे को हमने के इक्वल लेट कर दिया।
अब जो है ए बाई बी जो है वो भी के इक्वल है, सी बाई डी भी के इक्वल है, तो ए बाई बी को हमने अलग के इक्वल लिखा एंड सी बाई डी को हमने अलग के इक्वल राइट किया। अब बी जो है इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू बी के एंड सी की वैल्यू क्या बनेगी सी इज़ इक्वल टू डी के। इस तरीके से हमारे पास जो है ए की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास जो है सी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रूव करना था, देखिए जो लेफ़्ट साइड है उसका हम लेंगे, उसमें ये एक जगह पे एक वैल्यू पुट कर दिया करेंगे बी की बी के, और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे डी के, सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरीके से हम फिर इसकी ये वाली राइट हैंड साइड लेंगे फोर सी माइनस नाइन डी बाय फोर सी प्लस नाइन डी, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, तो हम नीचे लिख देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है फोर ए माइनस नाइन बी डिवाइडेड बाई फोर ए प्लस नाइन बी। अब सुनो इसमें हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जो ऊपर जो है प्रोपोर्शन वाले फॉर्म से के मेथड से जो हमने वैल्यू निकाल ली है वो हमारे पास ए की वैल्यू है और सी की है, तो इसका मतलब ए की जगह पे हम पुट क्या करेंगे या फिर सी की जगह पे पुट करेंगे, बी और डी जो है ये सेम लिखते जाएंगे वेरिएबल्स। अब इसमें एक जगह पे हमने क्या पुट करना है बी के, तो यहाँ पे मैंने एक जगह पे बी के पुट कर दिया, माइनस नाइन भी सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा फोर ए, एक जगह पे पुट करेंगे बी के प्लस नाइन भी सेम। अब इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में जो है नोमिनेटर में से बी कॉमन है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर से भी देखें दोनों में बी कॉमन है, जब हम बी कॉमन लेंगे तो नोमिनेटर बनेगा बी इंटू फोर के माइनस नाइन बाय बी इंटू फोर के प्लस नाइन। अब ये बी के बी से बी कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा फोर के माइनस नाइन बाय फोर के प्लस नाइन। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के इक्वेशन वन का नेम दे देंगे फोर के माइनस नाइन बाई फोर के प्लस नाइन, या मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्योंकि आगे अनलाइक टर्म्स आ चुकी हैं, इसको हम इक्वेशन वन का नेम देंगे। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड का भी अगर यही आंसर बन जाता है तो फिर हम नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है फोर सी माइनस नाइन डी बाई फोर सी प्लस नाइन डी। अब इसमें हम क्या करेंगे डी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं थी, डी वेरिएबल सेम आ जाएगा, जबकि सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी बाई के मेथड, तो सी की वैल्यू निकली थी डी के, तो सी की जब हम पुट करेंगे डी के, डिनोमिनेटर में भी सी की जब पुट करेंगे डी के। अब नोमिनेटर में क्या है कि दोनों में डी जो है वो कॉमन है, फोर डी के माइनस नाइन डी इन दोनों में डी कॉमन है, तो हमने डी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया फोर के माइनस नाइन। सेम इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो है वो डी कॉमन है, तो डी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया फोर के प्लस डी बाहर आ चुका है प्लस नाइन। अब ये वाला जो डी है इस डी से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बन जाएगा फोर के माइनस नाइन बाय फोर के प्लस नाइन, जिसका हम सेकंड इक्वेशन का नेम देंगे। अब इक्वेशन वन का आंसर और इक्वेशन टू का आंसर देखिए बिल्कुल सेम है, इक्वेशन वन का नोमिनेटर और इक्वेशन टू का नोमिनेटर आपस में इक्वल है, जबकि डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने लिखा बाय वन एंड टू मतलब बाय इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जो इक्वेशन वन थी ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और जो इक्वेशन टू है वो राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों के आंसर इक्वल हैं, तो नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आगे वही जो क्वेश्चन हमने प्रूव करना था वो लिख दिया फोर ए माइनस नाइन बी बाय फोर ए प्लस नाइन बी इज इक्वल टू फोर सी माइनस नाइन डी बाय फोर सी प्लस नाइन डी। इसी तरीके से जो है हम कोई और पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, पार्ट नंबर थ्री देखते हैं स्टूडेंट्स के ए बाय बी जो किसके इक्वल है, पार्ट थ्री है क्वेश्चन नंबर वन का, ए बाय बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें गिवन वही है जो ऊपर स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो हमने गिवन राइट किया ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब जो है इस रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब यार यूजिंग के मेथड के इस सारे को हम क्या करेंगे के इक्वल पुट करेंगे तो ए बाई बी भी के इक्वल आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम, ये स्टार्टिंग वाले जो स्टेप्स हैं ये हर क्वेश्चन के सेम होंगे। देखिए हमने ए और सी की वैल्यू निकालनी होगी तो ए बाई बी इज इक्वल टू के एंड सी बाई डी इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू निकालेंगे बी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू बी के, एंड सी की वैल्यू निकालनी है तो डी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी इज इक्वल टू डी के। अब ए की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास जो है डी की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू क्या है ए इज इक्वल टू बी के,
जबकि सी की वैल्यू है सी इज़ इक्वल टू डी के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बाई बी इक्वल के, लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यूज लिखी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए बाई बी। अब इसमें हम बी की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास गिवन जो है एक वैल्यू है, तो अब एक जहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हमारे पास बी के। अब ये वाला जो है जब एक जहाँ पे बी के लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में बी सेम, बी से बी कैंसिल बाय जस्ट के बन गया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन वन। अब इसी तरीके से जो है हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे जो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो तब इसकी जो है हम राइट हैंड साइड लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। स्टूडेंट इसकी जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो उसमें देखें कि नोमिनेटर में जो है हमारे पास जो है ए और सी है, जबकि डिनोमिनेटर में बी डी है, और बी डी के हमारे पास जो वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है ए की वैल्यू थी बी के और सी की वैल्यू थी डी के। इसका मतलब है कि हम नोमिनेटर में वैल्यू पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं पुट करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा, नोमिनेटर में जो है एक जहाँ पे बी के पुट किया जो कि हमने बाई के मेथड निकाली थी वैल्यू, ऊपर स्केयर था तो हमने स्केयर राइट किया, प्लस सी सी की जहाँ पे डी के स्केयर। अब ये वाला जो स्केयर है ये बी को भी मिलेगा के को भी मिलेगा, इसी के सामने राइट किया नेक्स्ट स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब सुनो इसमें देखेगा नोमिनेटर में से दोनों में के स्केयर है, हर दोनों टर्म्स में से, दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे के स्केयर कॉमन ले लेंगे, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो बन जाएगा बी स्केयर प्लस डी स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से जो है डिनोमिनेटर हमने सेम राइट किया। अब अगर देखें कि जो फैक्टर्स फॉर्म है ब्रैकेट के अंदर, देखिए बी स्केयर प्लस डी स्केयर है, नीचे भी बी स्केयर प्लस डी स्केयर है, तो ये दोनों सेम है, तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा जस्ट के स्केयर। अब जब हम जो है स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जिसको हम सेकंड इक्वेशन का नेम देंगे। अब इक्वेशन वन का जो हमारे पास आंसर था वो भी के था, जबकि जो इक्वेशन टू है वो भी क्या है के है, तो हमने लिखा बाई इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड का भी आंसर के बना था जबकि राइट हैंड साइड का भी आंसर के बना है, तो आगे हम लिख देंगे हैंस प्रूव, मतलब हम प्रूव कर चुके हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस सी स्केयर बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर। इसी तरीके से जो है हम कोई और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं, तो पार्ट नंबर सिक्स हमारे पास क्या है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन का, वो हमारे पास गिवन है ए स्केयर प्लस बी स्केयर रेशियो ए क्यूब बाय ए प्लस बी, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड हैं, इज इक्वल टू, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशियो सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही जो ऊपर स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी गिवन है, वो राइट करके हम ए और बी की, सॉरी ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए के मेथड सबसे पहले हमने अप्लाई करके ए और सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसके बाद हम क्या किया करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो गिवन हमारे पास वही है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब लेट करेंगे ये सारा के इक्वल है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के इक्वल एड किया। अब जो ए बाई बी है ये भी के इक्वल है, जबकि सी बाई डी भी के इक्वल है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू के हमने अलग राइट किया एंड सी बाई डी इज इक्वल टू के अलग राइट किया। अब जो है बी इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी के, एंड डी डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू डी के। अब एक वैल्यू बी के एंड सी की वैल्यू डी के। अच्छा स्टूडेंट इसमें जो है जितने भी पार्ट्स हैं सब में ए की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो है गिवन ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी सब के लिए है, इसलिए ए और सी की कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब के लिए यही रहेगी। अब जो है हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब बाय ए प्लस बी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास बना, अब इसमें जो है हमारे पास राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब बाय ए प्लस बी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यूँ करते हैं कि रेशियो जो है ना रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी, तो हमारे पास जो है रेशियो से पहले जितना भी एंटीसीडेंट होता है वो नोमिनेटर में आ जाता है, जो कॉन्सिक्वेंट होता है रेशियो के बाद वाला ये सारा डिनोमिनेटर में आ जाता होता है। तो नोमिनेटर क्या बना हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, रेशियो के यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म आ गया है ए क्यूब बाय ए प्लस बी, वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब स्टूडेंट देखें इसमें डबल डिनोमिनेटर है,
कि हमारे पास जो है ए क्यूब बाय ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी है ये डबल डिनोमिनेटर के नीचे है तो ए प्लस बी ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी बाय ए क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक ए है एक बी है, तो बाय के मेथड बी की वैल्यू तो नहीं थी जबकि ए की वैल्यू क्या थी, बी के, तो वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। जब एक जहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे बी के, तो ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब जो स्केयर है वो बी को भी मिलेगा ए को भी मिलेगा, सॉरी के को भी मिलेगा। तो हमने जब एक जहाँ पे एक वैल्यू पुट की बी के, हमारे पास बना है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू, अगर दोबारा फिर ए रिपीट हो गया है तो एक जहाँ पे दोबारा वैल्यू पुट करेंगे बी के प्लस बी बाय डिनोमिनेटर में है ए क्यूब, एक जहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे बी के ऊपर क्यूब है तो बी को भी क्यूब मिल जाएगा के को भी क्यूब मिल जाएगा। तो सो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स के बी स्केयर इंटू के स्केयर प्लस बी स्केयर, अब इस दोनों में क्या है बी स्केयर कॉमन है, इन दोनों में बी स्केयर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा के स्केयर प्लस वन, जबकि इसमें इन दोनों में क्या है बी कॉमन है तो बी कॉमन लेंगे तो इंटू के प्लस वन बाय बी क्यूब के क्यूब सेम। अब स्टूडेंट इसमें देखा जाए तो ऊपर नोमिनेटर में देखें कि ये बी और बी स्केयर क्या बन जाएगा बी क्यूब, जो कि इस बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो है बी वाली सारी वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बन जाएगा के स्केयर प्लस वन इंटू के प्लस वन बाय के क्यूब। अब ये सारे अनलाइक फैक्टर्स हैं अनलाइक टर्म्स हैं तो ये मज़ीद कैंसिल नहीं होंगी, तो इसका हम इक्वेशन वन का नेम दे देंगे। सेम इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेंगे, जब राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वह है सी स्केयर प्लस डी स्केयर रेशो, हमारे पास जो है सी क्यूब बाय सी प्लस डी। अब सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की तरह इससे भी हम क्या करेंगे कि रेशो का हम किस में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, जब फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे तो एंटीसीडेंट है ये नॉमिनेटर बन जाएगा, वो क्या बनेगा हमारे पास सी स्केयर प्लस डी स्केयर, फ्रैक्शन रेशो के जहाँ पे फ्रैक्शन आगे आ जाएगा सी क्यूब बाय सी प्लस डी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब सी प्लस डी जो है ये डबल डिनोमिनेटर के नीचे है तो ये नॉमिनेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर इन टू सी प्लस डी बाय ये सी क्यूब सेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन फॉर्म में जो सी स्केयर प्लस डी स्केयर इन टू सी प्लस डी बाय सी क्यूब है, इसमें हम सी की वैल्यू पुट करेंगे जो बाय के मेथड हमने निकाली थी, तो सी की वैल्यू थी डी के, जबकि डी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो डी वाली टर्म सेम आ जाएंगी, जबकि सी की जहाँ पे हमने क्या करेंगे सी की जहाँ पे सी की वैल्यू पुट करेंगे डी के, जब हम यहाँ पे डी के पुट करेंगे ऊपर स्केयर है तो डी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर सेम इन टू सी की जहाँ पे हम पुट करेंगे डी के प्लस डी बाय सी की जहाँ पे डी के पुट करेंगे ऊपर क्यूब है तो डी को भी क्यूब मिल जाएगा के को भी क्यूब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है अब इसमें देखें कि इसमें दोनों में डी स्केयर कॉमन है, जब इन दोनों टर्म में से डी स्केयर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा के स्केयर प्लस वन इन टू, इसमें दोनों में डी कॉमन है डी कॉमन लेंगे तो के प्लस वन बाय डी क्यूब बाय के क्यूब हमारे पास जो है ये सेम आ जाएगा। अब सुनो इसमें क्या होगा कि ये जो है डी स्केयर और डी डी क्यूब बन जाएगा, इस डी क्यूब से ये वाला डी क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा के स्केयर प्लस वन इन टू के प्लस वन बाय के क्यूब। अब इसमें देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है इक्वेशन वन जो है ये वाली जो है के स्केयर प्लस वन इन टू के प्लस वन बाई के क्यूब, इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जबकि जो इक्वेशन टू है के स्केयर प्लस वन इन टू के प्लस वन बाई के क्यूब ये राइट हैंड साइड का आंसर है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर दोनों के सेम हैं तो सो हम जो है प्रूव कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो हमने राइट किया बाई इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड आगे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी जो हमने प्रूव करना था वो हमने राइट कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ईजी मेथड है, तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो आप जो है खुद सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट टू फोर फाइव और सेवन ये चार क्वेश्चन जो ये आपकी असाइनमेंट हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।